लारा, लारा रेबेलो। क्या गोवानी है? हाँ, इधर की ही रहने वाली है। माँ पेरने में रहती है। खुद ये अभी 10 दिन पहले तक पंजिम के क्लब कोकीरो में शो करती थी। बेचारी एक रात के एक शो के लिए मुंबई गई और खामखा ऐसे बखेड़े में फंस गई कि इस अंजाम तक पहुंची। अभी तक जिंदा छोड़ दी गई थी तो जरूर उसकी भी कोई वजह थी, वरना इसका मुंह बंद करने के लिए इसे कब का खलास कर दिया गया होता। तो चश्मदीद गवाह बोला इसे। चश्मदीद गवाह को कौन जिंदा छोड़ता है? वही तो। अब बोलिए, लड़की क्या बोली असल वाक्य की बाबत? क्या देखा इसने? किस बात की चश्मदीद गवाह है? सब कुछ देखा डैडी, हर बात की चश्मदीद गवाह है। किश्तों में जो कहानी मैंने इससे निकलवाई उसके मुताबिक नेता लोगों की बिगड़ी औलाद बोनी जाधव ने ग्रांट रोड के अपने फ्लैट में इसकी आंखों के सामने केकी मिस्त्री को शूट किया था। लारा को मार डालने की कोशिश भी उसने बराबर की थी ताकि उसके करतूत का गवाह ना बचता, लेकिन उसकी चलाई गोली इसकी खोपड़ी में धंसने की जगह इत्तेफाक से महज इसे खरोचते हुए गुजर गई थी। लेकिन उसने यही समझा था कि गोली इसे लगी थी और ये मर गई थी। सदमे से ये बेहोश हो गई थी। जब इसे होश आया था तो इसने खुद को 2 पुलिस वालों के करीब पाया था। फिर 2 और शख्स वहां पहुंचे थे जिसकी बाबत इसे तब कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बाद में मालूम हुआ था कि एक दिलीप भालेकर उर्फ बटाटा, बड़ा बटाटा नाम का मवाली था जो कि नेता लोगों का पालतू कुत्ता है, और दूसरा एक डॉक्टर था। डॉक्टर ने इसे सेडेटिव का इंजेक्शन बताकर एक इंजेक्शन दिया था, लेकिन असल में वो हेरोइन के हैवी डोज का इंजेक्शन दिया था, जिसके असर में ये फौरन अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। कहती है इसे होश आया था तो इसने अपने आप को छोटे से एक ऐसे कमरे में पाया था जिसमें ना कोई खिड़की थी ना कोई रोशनदान था, खाली एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। डॉक्टर वहां भी मौजूद था जिसने इसके होश में आते ही फिर जबरन इसे इंजेक्शन दे दिया था। यही सिलसिला आगे भी चलता रहा था। ये जब होश में आती थी डॉक्टर इसे हेरोइन का नया इंजेक्शन दे देता था। कहती है सिवाय इसके इसे कुछ याद नहीं। कुछ याद है तो सिर्फ ये कि ये जब भी सचेत होती थी इसे अपने सामने इंजेक्शन की सिरिंज लिए तैयार खड़ा एक शख्स दिखाई देता था। ओ, कहती है यूं ही पता नहीं कितना टाइम, कितने दिन, कितनी रातें गुजारी कि एक रोज इसे फौरन इंजेक्शन नहीं दिया गया और यूं इसे कदरन अच्छी तरह होश में आने का मौका दिया गया। तब पहली बार हमेशा की तरह इसे सिरिंज के साथ तैयार खड़ा शख्स नहीं दिखाई दिया, इसे उसकी जगह दिलीप भालेकर दिखाई दिया। भालेकर ने इसे बताया कि इसके पर्स से बरामद इसके ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ और कागजात के सदके और कुछ अपनी जाति तफ्तीश के सदके वो इसके बारे में सब कुछ जान चुका था। वो जानता था कि ये लारा रेबेलो नाम की एक शो गर्ल थी जो कि पणजी के क्लब कोकीरो में परफॉर्म करती थी, और इसकी माँ फ्रांसिस्को रेबेलो पेरने में रहती थी, और ये काला घोड़ा में स्थित लोटस गार्डन में खाली एक रात के शो के लिए मुंबई आई थी। उसने इसे बताया कि ये उसकी मेहरबानी से ही तब तक जिंदा थी, वरना कब की मर चुकी होती और आगे भी जिंदा रह सकती थी अगरचे कि उसका कहना मानती। क्या कहना मानती? जो वो कहता करती, जैसे वो रफ्तार रहती, बदले में इसे इसकी जरूरत के मुताबिक हेरोइन की सप्लाई मुतवातर मुहैया होती रहती। क्या इसने हामी भरी? वो इंकार करने की हालत में कहां थी डैडी? हेरोइन की आदि तो ये जबरन बना ही दी गई थी, और कुछ ही दिनों में वो आदत बिल्कुल ही मजबूत हो जाती, तब ये खुद हेरोइन कहां से हासिल कर पाती? ठीक कहा। उसने इसे बताया कि उसने इसके नाम से इसके एजेंट मैल्कम परेरा को पंजी में टेलीग्राम भेज दी थी कि अब इसे उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं थी, और अब इसे अपनी माँ को भी एक चिट्ठी लिखनी थी जिससे कि वो अपनी बेटी के बारे में निश्चिंत हो जाती। मजबूर लारा से इसकी माँ के नाम वो चिट्ठी लिखवाई गई और कोरियर से उसे भेज दी गई। यूं ही एक बार इससे इसकी माँ को एक टेलीफोन कॉल भी कराई गई। साथ ही इसे वार्न किया गया कि अपनी आइंदा जिंदगी में ये कभी भी किसी के सामने भी केकी मिस्त्री के कत्ल की बाबत एक लफ्ज भी अपनी जुबान पर लाई तो इसकी हेरोइन की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और फिर ये तड़प तड़प कर मरेगी। ना मरी तो मार दी जाएगी। जाहिर है डैडी, हेरोइन के बिना इसका क्या हाल होगा?
इस बात का एहसास इसे कराने के लिए ये कहती है कि एक रोज इसे हीरोइन ना दी गई और इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। शाम को जब इसे वहाँ से बाहर निकाला गया तो इसकी हालत दीवारों से सर टकराने लायक हो भी चुकी थी, और थोड़ा अरसा इसे वहीं बंद रहने दिया जाता तो यकीनन ये दीवारों से सर टकराकर मर जाती। यूं इसे एहसास दिलाया गया कि इसकी आइंदा जिंदगी किस कदर भालेकर की मोहताज बनकर गुजरने वाली थी। फिर एक रात इसे मुंबई से मरगांव शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ की इसे डीनो पाब्लो नाम के एक कमीने के हवाले कर दिया गया, जो कि उधर सेंट एंथोनी चर्च रोड की एक इमारत में लड़कियों का बाजार चलाता था और जिसको इसके हीरोइन की आइंदा जरूरत पूरी करते रहने का भालेकर का हुक्म था, और जहाँ इसका जहन ही नहीं जिस्मानी बद इस्तेमाल भी शुरू हो गया। सांता मारिया, इतना जुल्म अभी और होता तब तक होता जब तक कि ये मर ना जाती, और ऐसा होने में कुछ ही महीनों से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था अगरचे कि मैं इसे वहाँ से निकाल ना लाया होता। जीते तो वहाँ से इसे इसलिए नहीं निकाल कर लाया क्योंकि तो लड़की को इसके बुरे अंजाम से बचाना चाहता है, इसलिए निकाल कर लाया क्योंकि तेरे को बतौर चश्मदीद गवाह इसकी जरूरत है। दुरुस्त, लेकिन एक पंथ दो काज में क्या कोई हर्ष होता है? नहीं, अब तेरा इरादा क्या है? इरादा साफ है, तू इसे केकी मिस्त्री के कत्ल के केस में बोली जादव के खिलाफ बतौर गवाह पेश करेगा क्या? हाँ, कैसे करेगा? इसे पुलिस के पास लेकर जाएगा? जवाब ये सोच के देना कि कातिल की और उसके सगे वालों की पुलिस के साथ मिली भगत है। नहीं, पुलिस के पास नहीं। तो फिर ये अपना बयान मीडिया को देगी? क्या? मेरे को एक्सप्रेस अखबार के एक जिम्मेदार रिपोर्टर की शह है, मैं इसे ले जाकर उस रिपोर्टर के नाम पंकज झालानी है हवाले करूंगा, फिर आगे जो करना होगा खुद वो करेगा। वो रिपोर्टर कहाँ पाया जाता है? मुंबई में। मुंबई कैसे पहुंचेगा? जैसे आया था प्लेन से? इस लड़की के साथ? हाँ। जीते, इतना बदअकल लगता तो तू नहीं है क्या? तेरी यहाँ की करतूत अब तक मुंबई में दुश्मनों से छुपी होगी क्या? वो क्या अभी तक इस बाबत पूरी तरह से खबरदार नहीं हो चुके होंगे? क्या कहना चाहते हो डैडी? मुंबई में दाखिले के हर रास्ते पर उनकी निगाह होगी, तो लड़की के साथ उधर कदम रखते ही धर लिया जाएगा, फिर ना कहीं तेरा पता चलेगा और ना लड़की का। ऐसा क्या? जीत सिंह चिंतित भाव से बोला। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है डैडी। होगा जीते, होगा। वो लोग बतौर चश्मदीद गवाह लड़की की कहीं हाजिरी लगना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इसको फिनिश करने के लिए और साथ में तेरे को फिनिश करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और किसी भी हद तक जाना उनके लिए क्या मुश्किल होगा, जबकि तू खुद बोला कि कानून के रखवाले ही इस काम में उनके हिमायती होंगे। तो अब मैं क्या करूं डैडी? मेरे से पूछता है? और किससे पूछूं? मेरे सामने मेरे से ज्यादा काबिलियत और दानाई वाले शख्स तो तुम ही हो। तो सुन, तूने इस लड़की का बयान खाली सुना है? लड़की को कुछ हो गया तो तू सात जन्म साबित नहीं कर सकेगा कि जो कुछ इसने कहा वो सच में कहा था। वो तो है, इसलिए इसका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए। कैसे? लिख के, दस्तखत करके? आज के मॉडर्न जमाने में एक इससे बेहतर तरीका है। वो क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग। ओ, लेकिन रात की इस घड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करेगा? मैं करूंगा, मेरे पास वीडियो कैमरा है। बढ़िया। लड़की कुन मुना रही है, सूरत से साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी हालत में भी सुधार हो रहा है। तो इसे होश में ला और समझा कि क्यों जो कुछ इसने रास्ते में तेरे को बोला उसे एक बार फिर वर्ड बाय वर्ड दोहराने की जरूरत है। तब तक मैं वीडियो कैमरा निकाल के लाता हूँ और उसे लोड करके रिकॉर्डिंग के लिए तैयार करता हूँ, ओके? जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। एडवार्डो ने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से लारा रेबेलो के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की। उसके बाद उसने लारा को मेथाडोन का एक इंजेक्शन दिया, साथ में सेडेटिव का एक कैप्सूल खिलाया और उसे अपने बेडरूम में सो जाने दिया। उसके बाद वो फिर घर से निकला और लौटा तो ओरिजिनल वीडियो टेप के चार टेप और बनवा के लाया। आधी रात को इस काम को
वो कैसे अंजाम दे पाया ये जीत सिंह के लिए सख्त हैरानी की बात थी। मुझे कोई नहीं जानता, एडवार्डो बोला, इसलिए मास्टर टेप को मैं अपने पास रखूंगा। सुबह स्पेशल कोरियर से एक वीडियो टेप हम उस अखबार के चीफ एडिटर को भेजेंगे जिसका रिपोर्टर तेरे को भाव देता है। दूसरा हम मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भेजेंगे। तीसरा हम मराठा मंच की किसी विरोधी पार्टी के सुप्रीमो को भेजेंगे जिसे कि उसे एमपी मधुकर राव साबले के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और चौथा टेप तुम अपने पास रखोगे ताकि कोई जरूरत पड़ने पर तुम इस्तेमाल में ला सको। इतने इंतजाम डैडी? जरूरी है क्योंकि आज के करप्शन के दौर में किसी एक सोर्स का कोई भरोसा नहीं। आज की दुनिया में ईमान बहुत सस्ते में बिक जाता है, महंगे में भी बिके तो क्या है, खाली कोई भाव देने वाला चाहिए जो कि मधुकर राव साबले हो सकता है, छगन जाधव हो सकता है। हाँ, अभी आया ना समझ में? आगे आगे अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन से हम पूना चलेंगे। हम मेरे साथ जाना जरूरी है चीते? पूना? क्योंकि तेरा लड़की के साथ सीधे मुंबई जाना सेफ नहीं है, इसलिए पूना। हाँ लेकिन मुंबई, वहां से मैं तेरे को मुंबई पहुंचाऊंगा। सेफ? ऑफ कोर्स। अच्छा, जीत सिंह के स्वर में अनिश्चय का पुट था। पूना में एक डी एडिक्शन सेंटर है जिसको चलाने वाला डॉक्टर इत्तेफाक से मेरा दोस्त है। वहां उस लड़की को भर्ती करना होगा। ऐसा करने से दो फायदे होंगे, एक तो वहां जितनी जल्दी हो सकेगा इसकी हालत इतनी सुधारी जाएगी कि ये कोर्ट में खड़ी होकर बयान देने के काबिल बन सके, दूसरे वहां ये सेफ रहेगी, किसी को इसकी वहां मौजूदगी की हरगिज खबर नहीं लग पाएगी। उस डॉक्टर के ईमान का भाव देने वाला कोई नहीं होगा क्या? इतना बड़ा बोल तो मैं नहीं बोल सकता, सदा रंग बदलती इस दुनिया में कब कौन कौन सा रंग बदलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन उसे मालूम जो नहीं होगा कि ईमान कहाँ बेचना है, किसे बेचना है, उसे मालूम जो नहीं होगा कि लड़की कौन है और इसकी अहमियत क्या है। अब राजी? जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर अब वो फिश? हाँ जरूर। रात के 1 बजे दिलीप भालेकर दादर मेन रोड पहुंचा। हमेशा की तरह नेताजी को उसने टॉप फ्लोर पर स्टडी में मौजूद पाया। वो कमरे में चहलकदमी करता सिगरेट के कश लगा रहा था। भालेकर को आया देखकर वो ठिठका। उसने अप्रसन्न भाव से भालेकर की तरफ देखा, सोते से जगा दिया। वो भुनभुनाया, क्या आफत आ गई? बोलता है ना बाप, भालेकर बोला, मैं पहले कभी ऐसी गुस्ताखी किया क्या? नहीं, तभी तो आने दिया, आया तो सोता मिला मैं तेरे को? नहीं, अब बोल। बाप वो बाई हिला? हाँ, टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम देता है, अभी उधर ही छोएगा। नहीं, घर पर है, 12 से पहले लौट आई थी, क्यों पूछता है? बाप मैं जो बोलेगा वो मैं किसी और को सुनना नहीं मांगता ना। वो अपने बेडरूम में सोई पड़ी है, अभी नीचे से ऊपर आया था तो उसकी लाइट बंद थी। ओ, और क्या भूल गया कि जगह साउंड प्रूफ है? हाँ बाप, सच में ही भूल गया, सॉरी बोलता है। अब बोल क्या बात है, क्यों इतनी रात में फोन लगाया और फिर दौड़ता इधर आया? बाप वो गोवानी छोकरी गायब हो गई है। क्या गोवानी छोकरी? लारा रेबेलो हाथ से निकल गई। कब? शाम को। कैसे निकल गई? नेताजी भड़का। दो भेड़ों उधर गोवा में मेरे उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए जिधर छोकरी को छुपा के रखा था। कैसे पहुंच गए? समझ में नहीं आता कैसे पहुंच गए, उस ठिकाने की तो किसी को खबर नहीं थी, पता नहीं क्या हो रहा है। थे कौन वो? बाप मालूम हुआ है वो दो भीड़ों थे। पहले भी बोला, आगे बढ़। बाप एक का हुलिया जीत सिंह जैसा था। जीत सिंह? वो आदमी जो तो बोलता है शुक्रवार रात से गायब है? हाँ वही। वो गोवा पहुंच गया? ऐसा ही छजान पड़ता है, उसका गोवा पहुंच जाना ही अब इस बात का सबूत है बाप कि चोकर जिंदा नहीं है। मैं पहले ही बोला बाप कि कत्ल का गवाह कोई नहीं छोड़ता, अगर चोकर और... अरे दफा कर चोकर को, क्या किस्सा ले बैठा, सॉरी बोलता है बाप। तो वो जीत सिंह गोवा पहुंच गया और उधर से उस गवानी लड़की को ले उड़ा, ठीक है ना? हाँ बाप,
क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं, जाके समंदर में डूब मरेगा। साला हलकट, एक छोकरी को काबू में नहीं रख सका। बालिकर खामोश रहा। अब किधर है वो दोनों? मालूम नहीं, बालिकर फंसे कट से बोला। खबर कैसे लगी? उधर से मेरे को फोन आया। सब गलाटा कर दिया, खड़े पैर नया पंगा खड़ा कर दिया। छगन ठीक बोलता था, उस छोकरी को फौरन खलास करने का था। साला मैं ही गलती किया, जो छगन की नहीं सुनी तेरी सुनी। बोलता था 6 महीने तक छोकरी को संभाल के रखेगा, 6 दिन ना संभाली गई, साला शाना बनता था। अब लड़की मुंह खोलेगी तो क्या होगा मालूम है? काहे? साला अक्का इडियट पूछता है काहे। वो जीत सिंह करके भीड़ू जो छोकरी को निकाल के ले गया, क्यों ले गया? शादी बनाने के वास्ते ले गया क्या? हनीमून मनाने के वास्ते ले गया क्या? भालेकर ने इनकार में सिर हिलाया। अभी देखना, हम सब जेल में होंगे। अरे नहीं बाप, अभी मैं है ना, तो भी जेल में ही होगा। ऐसा होने से पहले मैं क्या करेगा? जीत सिंह को थाम लेगा, छोकरी को थाम लेगा, कुछ तो करेगा बाप। पहले क्यों नहीं किया? बाप अभी तो खबर लगी। पहले क्यों नहीं लगी? जब शाम को गायब हुई तो पहले क्यों नहीं लगी? अब क्या बोलेगा बाप? जब पंगा पड़ना होता है तो कुछ भी हो जाता है। शाम को मैं घर नहीं गया और मोबाइल साथ नहीं था। बढ़िया, जरूरत के वक्त साथ नहीं था, वैसे गले में लटका के फिरता है। नहीं बाप, जेब में रखता है। थोबड़ा बंद कर, अब जो करने का है मेरे को और छगन को बोल के करने का है, समझा क्या? छगन बाप को भी बोला बाप? हाँ, मैंने तेरे को जरा ज्यादा भाव दे दिया और उसकी ना सुनी। वो शुरू से छोकरी को नक्की करने को बोलता था, मैंने उसकी सुनी होती तो ये नौबत नहीं आती। पण? क्या पण? एक तो तुम काम बिगाड़ा, दूसरे अभी इधर टाइम खराब करता है। अब जा, जाके जीत सिंह को ढूंढ, उस गोवानी लड़की को ढूंढ। सब तेरी गलती है, तू ही उसे ठीक करके दिखा। बाप ये जुल्म है। क्या जुल्म है? मेरी गलती नहीं तो किसकी गलती है? बोनी बाबा की। बाप याद करो, मैं पहले ही दिन बोला कि नहीं बोला कि बोनी बाबा के साथ जो बीतती है बीतने दो, उसका जो हश्र होता है होने दो। मैं बोला कि नहीं बोला कि बोनी बाबा कमजोर कड़ी, जिसका असर तुम्हारे पर हुए बिना नहीं रहेगा। मैं बोला कि नहीं बोला कि ऐसा गलाटा बोनी बाबा का रोज का काम, उसके बचाने में सबके साथ प्रॉब्लम। अगर तभी मेरी बात सुन ली गई होती तो आज ये नौबत। शट अप, नेताजी गला फाड़ कर चिल्लाया। भालेकर सहम कर चुप हो गया। कुछ कर नहीं सकता तो हिस्ट्री बताता है, आगे का देखता नहीं पीछे का बताता है। आगे का भी देखता है बाप, पण? क्या पण? बाप अभी खास कुछ नहीं बिगड़ा है। वो भीड़ू जीत सिंह कांटे से फंसी मछली का माफिक है, किधर जाएगा? इंस्पेक्टर गोविलकर जब चाहेगा उसको काबू में कर लेगा। तेरे कहने पर ही क्या? हाँ बाप, मेरे कहने पर। आगे? वो फंसा हुआ भीड़ू है, डकैती के केस में जमानत पर छुटेला है। छगन बाप के काम के वास्ते गोविलकर उसको ढील दिएला था, अभी फिर खींच लेगा। फिर उससे डील करेगा ना? कैसा डील? पूरी बात कर, किश्तों में मत बोल। गोविलकर को उसका जॉर्ज डेविस का कत्ल किया होना भी मालूम। वो भीड़ू कत्ल के केस से बचना मांगता है, डकैती के केस से बरी होना मांगता है, तो उसको गोवानी छोकरे हमारे हवाले करने का है और अब सब भूल जाने का है। उसको ये डील मंजूर होएगा। गोविलकर? वो मेरे से बाहर नहीं जाएगा बाप, मैं उसको बोलेगा ऐसा करने का है तो वो ऐसा ही करेगा। पक्की बात? 100% पक्की बात बाप। अभी कल 4 पेटी रोकड़ा थमाया उसको, कैसे बाहर जाएगा? नेताजी के तेवर ढीले पड़े। डील बरोबर है, फिर वो बोला, पर जिसके साथ डील करने का है वो किधर है, उसको कैसे ढूंढेगा? ढूंढेगा ना बाप, कैसे भी ढूंढेगा। वो पहले ही किधर और पहुंच गया तो? नहीं पहुंचेगा, मैं खबरदार रहेगा ना? हाँ भालेकर, अगर इस बार कोई पंगा पड़ा तो मैं अपने हाथ से तेरे को गोली मार दूंगा। मेरे को मंजूर, अब टल यहाँ से। भालेकर अभिवादन करके वहां से रुखसत हुआ। पीछे नेताजी अपने एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हुआ और सोचने लगा।
बालेकड़ पर से एतबार हिल जाने के बाद अब उसे लग रहा था कि उसे कुछ और करना चाहिए था, किसी और तरीके से जीत सिंह और गोवानी लड़की की तलाश में कुछ करना चाहिए था। बालेकर को खबर किए बिना किन्हीं और लोगों को उसे तलाश में लगाना चाहिए था, लेकिन अभी तो नींद पूरी करने का था। कमबख्त आधी रात को जगा गया था। वो स्टडी से निकला और एक मंजिल नीचे पहुंचा। नीचे वो अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो एकाएक वो ठिठका। बगल के बेडरूम के दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक लकीर दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। वो उस दरवाजे पर पहुंचा। उसने हौले से उस पर दस्तक दी और आवाज लगाई, हिला। भीतर हिला ने वो आवाज सुनी तो वो स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोर से धड़का और कनपटियों में खून बचने लगा। उस घड़ी वो नाइटी पहने थी और उसी क्षण उसने माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर के बीच की तार को टेप रिकॉर्डर से अलग किया था। उसने जल्दी से तार के पर्दे के पीछे छुपाया और उठकर खड़ी हुई, हिला। जल्दी से उसने टेप रिकॉर्डर उठाया और लपक कर वार्डरोब पर पहुंची, जिसके भीतर एक खुले सूटकेस में उसने टेप रिकॉर्डर रखा, हिला। इस बार आवाज से बेसब्रापन साफ झलक रहा था। कमिंग डैड, उसने सूटकेस को बंद किए बिना ही वार्डरोब का दरवाजा भिड़काया और अपनी घबराहट पर भरसक काबू पाते हुए दरवाजे की तरफ लपकी। उसने जल्दी से चिटकनी गिराई और दरवाजा खोला। नेताजी को देखकर वो मुस्कुराई। हेलो माय डियर, नेताजी बोला, सोई नहीं? कोशिश कर रही थी। दरवाजे के नीचे रोशनी देखी तो हैरानी हुई। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं ठीक, स्टूडियो का लेट नाइट डिनर सूट नहीं किया। पेट में अजीब सा भारीपन है और बेचैनी महसूस हो रही है। अभी टॉयलेट गई थी इसलिए बत्ती जलाई थी। ओह, टाइम क्या हुआ है? 1:30 बजने को है। कोई गोली बोली? नहीं, अब तबीयत ठीक है, वो जबरन हंसी। स्टूडियो के डिनर ने जितना तंग करना था कर चुका। अब तो उसने फरमाइशी जमाई ली, आ रही है नींद। गुड, लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? विषय परिवर्तन की नियत से वो बोली, क्या आपको भी नींद नहीं आ रही? अरे नहीं, फोन आ गया, गया सोते से जागा, फिर कोई मिलने आ गया जिसके लिए जाके स्टडी में बैठा। इतनी रात गए डैडी? होता है कभी कभी, अब जाओ सो जाओ जाके। हाँ, गुड नाइट डैडी। उसने दरवाजा बंद कर लिया। तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई।